फिर दोस्तों आज हम आपको जो है जो भी मोबाइल है ना, जिनकी अक्सर हैंड फ्री ख़राब हो जाती है और उन्हें हैंड फ्री रिपेयर करना रहता है, तो उसके लिए हम आपको बता देंगे। आज हम आपको इसमें जो हैंड फ्री दिख रही है आपको, ये हैंड फ्री का जैक है, यहाँ पे हमारी हैंड फ्री लगती है। ठीक है, कैसे हैंड फ्री का जैक है, इसको निकालते कैसे बिगर जले, हमें इसको निकालना है और वापस से इसी जैक को हमें दोबारा इसमें लगाना है। ठीक है, हम केवल आयरन की मदद से इसको निकालेंगे और वापस इसको रस्सी में लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए। आज आपको इसको निकालना, ये हैंड फ्री जेब को निकालना और वापस इसमें लगाना बताऊंगा, और वो भी आयरन की मदद से सिर्फ कुछ समय में, है ना। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो, हम इसको निकालना सीख लेते हैं। हम उसको सबसे पहले हम उसको सबसे पहले इसमें पेस्ट लगा लेते हैं। ठीक, सबसे जो हमारा मेन काम है पेस्ट, ये पेस्ट हम इसमें लगा लेते हैं। ठीक, पेस्ट लगा लेते हैं इसमें। अच्छे पॉइंट दिख रहे हैं इसमें, छः पॉइंट में मैं आगे लगा लेना और पीछे भी इसी प्रकार हमें पेस्ट लगा लेना। ठीक, दोनों तरफ प्रॉपर तरीके से लगा लेना। अब हमें ये हमारा आयरन है, ठीक, जो आयरन की मदद से हमें इसका जो है सॉकेट, ये हैंड फ्री जैक जो हमको निकालना है। ठीक, आज हम नौकरी जेक निकालना सीख रहे हैं, कैसे निकालते है ना। तो हमको क्या करना, ये जो हैंड फ्री, ये हम इसमें ये लेंगे सोल्डिंग। ठीक, सोल्डिंग को इसके ये पॉइंटों में ये इसको सोल्डिंग कर लेंगे, प्रॉपर होल्डिंग कर लिया। इसी प्रकार हम इस तरफ भी इसमें होल्डिंग कर लेते हैं। ठीक, होल्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, देखो दोस्तों, हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, और जो हम इसमें बता देते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको निकलना हमें ऊपर से निकालना, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरफ से दोस्तों इसको थोड़ा इसको ऊपर रख लेंगे, एक सपोर्ट ले लेंगे। सपोर्ट लेने के बाद हम इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ प्रॉपर इस तरीके से ऐसा रख लेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक रख लेंगे, और इसके बाद हम इसमें ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पॉइंट इसके ऊपर हल्का हल्का मारते जाएंगे, हल्का से इसके ऊपर सॉकेट के ऊपर प्रेस करेंगे, है ना। प्रेस कर दिया, थोड़ी देर इसको ऐसे रख देंगे और थोड़े से फूंक मार लेंगे, एक फूंक मार ली। अब इसी प्रकार हम ये दूसरे सिरे से, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर इसमें हम हल्का सा ये सोल्डर लेंगे। ठीक, और फिर उसके ऊपर हल्का सा ऐसा प्रेस करेंगे, ये प्रेस करने के बाद और ऐसा हल्का हल्का फेर दिए, देखो दोस्तों कितनी आसानी से निकल गया हमारा ये जैक, कितनी आसानी से हमने जैक निकाल लिया दोस्तों, देख लो, है ना, ख़राब भी नहीं हुआ ना टूटा है। ठीक है।
अब हम इसको दोबारा इसमें लगाते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक, तो हम उसको इस प्रकार से इसे रख लेना। ठीक, रख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमने निकाला था ठीक है, उसी तरीके से हम इसको इसमें प्रॉपर इस प्रकार से बस इस प्रकार रख लेंगे और इसमें सोल्ड कर देंगे ये प्रॉपर यहाँ पे कर दिया, वो तीसरे पॉइंट में भी हमने सोल्ड कर दिया। ठीक, अब इसको हम घुमा लेते हैं इस प्रकार से, फिर तीनों पॉइंट में हम सोल्ड करेंगे, एक ये कर लिया, दूसरा तो ये तीसरा। ठीक, ये देख लो, ये तीनों पॉइंट में सोल्ड कर दिए। हम वापस इसको इस प्रकार ऐसा रखेंगे ठीक, और हल्का सा प्रेस करेंगे इसको, और इसमें वापस से ये सोल्ड। ये वापस से हम इसको प्रेस किया ठीक, और इसमें दोबारा से ये यहाँ दोनों पॉइंट पर जैसे पीछे 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 हल्के से सोल्ड कर दिया। देखो दोस्तों, ये प्रॉपर हमारा सॉकेट ये लग चुका है। मैं आपको इसको आसानी से क्लीन करके बता देता हूँ। ठीक, ये हमारी सोल्डिंग हुई है। देख लो दोस्तों, ये हमारी सोल्डिंग हो गई, ये प्रॉपर हमारा सॉकेट भी लग चुका है। ठीक है, मैं आपको इसमें ये हैंड फ्री भी ये देख लो, ये फिट हो गई, देख लो फिट हो गई, ये वापस निकल गई, ये वापस लग गई। ठीक है दोस्तों।